हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज भी हम जन्माष्टमी जा रहे हैं। तो मैं और मेरी बहन सेम कुर्ता एंड सेम कलर। गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन आज का है फुकेट, थोड़ा क्या बोलते हैं, फुकेट टाउन पे है। तो कल तो इधर नजदीक ही था जिस प्लेस पे हम रहते हैं, पातोंग। तो आज दूसरे प्लेस में है, वो सिर्फ वो हरे कृष्ण बोल, किसका है बहन वो? इस्कन मंदिर। अच्छा, इस्कन का है। तो हम उधर जा रहे हैं गाइस। सो देखो, मैंने कुर्ता पहना ब्लू, मेरी बहन ने भी ब्लू पहना, तो हम दोनों ब्लू ब्लू हो के जाएंगे। देखिए सर के भैया नहीं पहचानेंगे। सो गाइस, अभी मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम रील्स बनाएंगे, थोड़ा एक दो बनाएंगे, थोड़ा नहीं एक दो बनाएंगे। फिर मेरी बहन को टिकटॉक भी अपलोड करना है, उनको टिकटॉक खींचना है, और थोड़ा फोटो शोटो भी खींच लेंगे। पता नहीं गाइस, आजकल मैं बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, और मेरी हिंदी ना पता नहीं फिर से थोड़ा वीक होने लग गई यार। तुम नहीं, आज के बाद ना मैं ट्राई कर दूँगी कि मैं व्लॉग, मतलब डेली नहीं फिर भी मैं वीकली एक बार मैं व्लॉग अपलोड करती रहूँ, तो नहीं तो मेरा हिंदी ख़राब हो जाएगा। तो गाइस, ये रहा, मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी रील्स बनाऊंगी गाइस। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे, इसलिए हम लोग के पास हाफ एन आवर टाइम है, तो जाएंगे इसके बाद। गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। मेरी बहन फोन पे बात कर रही है, इसलिए वो बाहर गई। वो थोड़ी देर में आएंगे तो मैं उनको भी दिखाऊंगी। और मैंने आज हेयर कर्ली किया है, तो देखो ये मेरा दूसरा लुक। आज भी मैं राधा ही बन के जा रही हूँ। बहन देख रही है, बोल रही शीन का कपड़ा। हाँ, ये सब मेरी मम्मी ने बैंकॉक से मुझे मेरे लिए भेजा है, ताकि मैं रील्स बनाऊँ। उसकी वजह से मम्मी ने पूरा इतना खरीदा है, पता नहीं मम्मी ने पूरा शीन को खाली कर दिया होगा। एक दुकान भी खोल सकते हैं इसके कपड़े से। हाँ, मैंने मम्मी को मना किया था कि मम्मी आप मेरे लिए ज़्यादा कपड़े मत खरीदो, जो भी है मैं कुछ और पहन लूँगी, लेकिन मम्मी सुनती नहीं है। और देखो इतना सारा कपड़े भेज दिया, और बहन देख के शौक हो गई कि ये क्या कपड़ा है इतना ज़्यादा है ना। हाँ देखो, ये भी ब्लॉन्ग ड्रेस भी खोल सकते हैं। हाँ, ये मम्मी का चॉइस है। मेरी मैं कभी खुद के कपड़े खुद नहीं खरीदती हूँ, सब मेरी मम्मी खरीदती है। कपड़े पूरे मम्मी खरीदती है, मैं नहीं खरीदती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे अपना खुद का चॉइस इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मम्मी का चॉइस ही अच्छा लगता है, तो मम्मी खरीदते हैं मेरे लिए। आ जाओ बहन व्लॉग में, ये बोल रहे जल्दी जल्दी करो। देखो हम दोनों तैयार हो चुके हैं ब्लू 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 पहन के। गाइस, पता है मैं कैमरा पे इतना बड़ा फेस दिखता है मेरा, बाहर इतू सा ही है ना बहन। पता नहीं कैमरा के कैमरा के सामने आ जाती तो मेरा फेस इतना बड़ा बड़ा दिखता है, पता नहीं क्यों। ये कैमरा का कमाल होगा, या मेरा कैमरा फेस ही कैमरा फेस है इसलिए। तो गाइज, अभी थोड़ी देर में मिलूंगी, क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है। ये रहा गाइज, हम पहुंच चुके हैं, और ये एंट्रेंस है, हम जा रहे हैं अंदर पे। ओह माय गॉड, लेकिन इधर पे अंदर जाने से पहले वो स्टिक कर देते हैं, तो क्या बोलते मुझे नहीं पता। कहते ही राधा रानी गिर गई, कहा बैठी थी भगवान के साथ, झूले में गिर पड़ी। हरे कृष्णा अल्टर के अंदर से थोड़ा बातें कम करें, यहां तक सुनाई दे रहा है। बगर गिर पड़ी आप अकेले चले जाओगे मुझे छोड़कर? भगवान कतई ऐसा नहीं करने वाले थे, राधा रानी को साथ लेकर आ रहे थे, लेकिन वो गिर गई विरह भाव से। अब आएगी, लेकिन आएगी कौन से भाव से? विरह भाव से, जीवन भर होती रही। मैंने
कब कहा कि तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ये तो तुम्हारी मन की भाव थी। नंद महाराज जी के यहाँ भगवान लीला करते हैं, उन्होंने 10,000 दिव्य वर्ष नहीं किए थे, उससे कई करोड़ों गुना दिव्य वर्ष। पांडव हैं, हम कौन हैं? पांडव हैं, हम वृक्ष के रूप में यहाँ पर प्रकट हैं। तो राधा को जो बनाया गया वो 5 वृक्ष को छोड़ दिया। आज भी एक मोटा सा तना वृक्ष खड़ा है जिसको भीम के रूप से जाना जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान की इस यह लीला में भगवान अपने समस्त परिकरों को साथ में लाए थे। भगवान के दिव्य कार्य में लिप्त कोई भी सेवा का फल राधा दीदी और मेरी बहन पहुंच चुके हैं। ये जिमोला दिखा दे बात चलो कटा गिरा। ये बंदरिया पहुंच चुके हैं। जाने जम 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 चलो चलो छानो आस्ते चलने Thank you.
हरे कृष्ण है छोटो बाजार आज में जुला क्या भीतर आए छो हम गाइस उस दिन बहुत लेट हुआ था इसलिए मैंने लेट को वीडियो एंड किया। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।